हाईवे 303 दो महीने में पूरा हाईवे रेडी होना चाहिए. कम ऑन, कितना गर्मी है. Damn heat. My God, this is too much. Contractor Chunilal. Kya hua? Ye hai bhi aapne... किस मनहूस जंगल के बीच में से निकाला है. जब से काम शुरू हुआ है 6 लोगों की मौत हो चुकी है. मुझे तो लगता है जरूर जंगल में अब शकुन साहब. व्हाट नॉनसेंस, वो सब वर्कर्स का डेथ प्लेन एक्सीडेंट था. ये देखिए सर, ये देखिए, जब मैं उस जंगल के बीच से जा रहा था तो मेरे पीछे साइकिल पर सवार एक आदमी आया, अपनी गुलाड़ी से मुझे जख्म दिया. देखिए सर. कौन था वो? यही तो मैं आपसे पूछता हूँ सर. मुझे लगता है जरूर कोई प्रेत आत्मा है, क्योंकि जब हमारे आदमी उसे ढूंढने लगे सर, वो पेड़ के तने में गायब हो गया. तुम लोग क्या शराब पी के काम करते हो? दिस इज टू मच. जस्ट गेट बैक टू वर्क. 2 महीने बाद इंग्लैंड से गवर्नर जनरल इधर आने वाले हैं और उनकी सवारी के लिए पूरी हाईवे रेडी होना चाहिए. जस्ट गेट आउट एंड गेट बैक टू वर्क. पर सरकार, आई सेड गेट लॉस्ट. गो. Bloody camp chores. लगता है कंस्ट्रक्शन का सप्लाईज आ गया है. गुड. कम इन, अंदर आ जाओ. Mal, I hope.
करते रहो। कि हमें इस तरह शादी करनी पड़ेगी। काश हमारे पेरेंट्स मान जाते तो कम से कम दिल्ली से मसूरी भागना ना पड़ता। अम्मा बाबा जियरा अर्जुन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। मामा पापा जब देखेंगे कि हमने शादी कर ली है और हम खुश हैं, बिल्ली में हमारी बात मान जाएंगे और वो भी खुश होंगे। बिल्ली जी प्लीज कम ऑन जियरा प्लीज। तुम मेरे साथ हो तो मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ। रोमांस का मूड अर्जुन तुम्हें याद नहीं हमारे गेम के बारे में? हर जो कार्ड दिखेगी उसके पॉइंट्स तुम्हारे और हर जो ट्रंप दिखेगा उसके पॉइंट्स तेरे। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम लीविंग राइट नाउ बाय 16 एंड 14। हाँ ठीक है ठीक है। लगता है हाईवे पे गाड़ियाँ कम है और ट्रक ज्यादा। लो एक और पॉइंट आ रहा है तुम्हारे लिए। अच्छा बाबा ये बताओ कि हम शादी तो मसूरी में कर रहे हैं, हम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? हनीमून की बात छोड़ो, शादी के फौरन बाद मैं तुम्हें वापस दिल्ली ले जा रहा हूँ तुम्हारे घर, घर वालों का आशीर्वाद लेने। अर्जुन ये कोई बात नहीं होती है, लोग दिल्ली में शादी करते हैं और मसूरी में जाके हनीमून मनाते हैं और मसूरी में जाके शादी कर रहे हैं और दिल्ली में आके हनीमून। हाँ ये नहीं होता ना अर्जुन, दिस इज नॉट द। क्यों निकाल रहे हो?
की साइकिल ठुकवानी है। कौन बुड्ढा? चला गया। सॉरी श्रेया, मेरा जरा मूड ऑफ हो गया। मूड ऑन कब होता है? हिलना मत, देखते रहो। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो। क्या है कि लिसन टू मी श्रेया, मैं ये क्या क्यों रे बस नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको देखा नहीं। कहाँ जा रहे हो? जी मसूरी। बहुत घबराए हुए हो, घर से भाग कर आए हो क्या? जी नहीं, तो हम तो यूं ही पिकनिक पे जा रहे थे। पिकनिक? गाड़ी के कागज हैं? कागज हाँ। ठहरो, नीचे उतरो। जी क्यों? नीचे उतरो। खोलो। जी सर। कंबल हटाओ। जी कंबल हटाओ। ये तो ब्रेक ऑयल है, वो उसका कैन टूट गया होगा, वो चलाते हैं। आई डोंट नो मैं। आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ इसे बदल लेना। जी जी सर, वैसे मुझे पेट्रोल भी भरवाना था, मैं तुरंत जैसे ही पेट्रोल पंप मिलता है उसे भरवा दूंगा, ये भी ठीक कर दूंगा। मैं निकलूँ सर? थैंक यू सर, थैंक यू। धंधा काफी मंदा है श्रेया। काफी? बहुत ज्यादा ही मंदा है।
तुम एक काम करो। क्या? मैं अंदर देख कर आता हूँ। तुम यहीं खड़ी रहो। ओके। अरे कोई है? Come soon. I will come soon. कितना पेट्रोल मैडम? फुल टैंक कर दो। हो गया? ए भैया स्पिल मत करना। अर्जुन क्या बात है? एक ट्रक। हाँ ये तो वही ट्रक है। मैं सारा उस ड्राइवर को देख कर आता हूँ। अर्जुन प्लीज, अर्जुन झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है इस समय। प्लीज डोंट वरी श्रेया, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम मैं देखूँ तो सही कि ट्रक कौन चला रहा था। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ट्रक के पीछे उस ट्रक को ढूंढना है। जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें क्या मिलेगा उस ट्रक को रोककर?
शायद उस घायल इंसान को बचा ले। डोंट बी स्टूपिड अर्जुन, प्लीज। इस मामले में पड़ने की कोई श्रेया, हम किसी की जान बचा सकते हैं। स्टॉप इट अर्जुन, पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म करते थे? और उस दौरान वो आदमी मर गया तो? वो देखो। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। तुम कहाँ जा रहे हो अर्जुन? देखने कि उसने उन लाशों का क्या किया है। प्लीज मत जाओ, यहाँ बहुत खतरा है अर्जुन, प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ। श्रेया, अगर उन लाशों में से कोई जिंदा हो तो प्लीज हम उन्हें ऐसे ही छोड़कर चले जाएं। और फिर हमारा बाकी का जीवन इस गिल्ट में बिताए कि हम किसी की जान बचा सकते थे मगर ऐसे ही मुंह मोड़ कर भाग गए। प्लीज प्लीज I'm going। Yeah!
जाओगे। किसने किया है सब? भाग जाओ, जा रहा होगा तो तुम भी नहीं बचोगे। ऐसा क्या है सारे पर? फोन कर देती हूँ। हाईवे जहाँ से शुरू होता है वहीं भी खत्म हो जाता है। इतने रास्ते बिल्कुल भूल भुलैया की तरह, पर यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा।
ऐसी जगह है जो इंसानों को बस मार कर उन्हें फेंक देती है। हम क्या करें अर्जुन, हम क्या करें? कुछ करो, जल्दी करो, प्लीज कुछ करो। हाईवे से बाहर निकलने का रास्ता चेंज ले यार, क्या करें वो? हाँ अर्जुन, मैं अंदर गई थी, वहां से एक मैप लेकर आई थी, रुक देखिए उसमें शायद हो। यहाँ आगे 2 किलोमीटर की दूरी पर एक लेफ्ट टर्न है, वहाँ से एक शॉर्टकट जाता है रास्ता जो आगे को फाटक को निकलता है और उसको क्रॉस करने के बाद एक नया रोड है। आई थिंक अर्जुन दैट्स द वे। यानी अगर हम उस फाटक को पार करते तो हाईवे 303 से निकल जाएंगे। आगे लेफ्ट टर्न, प्लीज जल्दी लो, जल्दी ले अर्जुन, प्लीज पास आगे जल्दी ले। मुश्किल है श्रेया,
यार जल्दी गाड़ी में बैठो। यार अजय, लगता है इधर कोई नया हाईवे बना है, हाईवे 303। हाँ यार, चल आगे चलकर देखते हैं कहाँ तक ले जाता है ये हाईवे हमें। चलो